आवक में देरी और बहुत खराब स्थिति में सब्जियों की आवक के कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। इसका प्रभाव आम नागरिक को झेलना पड़ रहा है। नतीजतन गणेशोत्सव और ज्येष्ठ गौरी के दौरान उपभोक्ताओं को सब्जियों, मसालों, फूलों की कीमतों में एक निश्चित वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से सब्जियों की आवक कम है, इसीलिए कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल गणेशोत्सव और ज्येष्ठ गौरी की वजह से खुदरा बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। ये स्थिति अगले 10 दिनों तक बनी रहेगी। सब्जियों की तरह मसाले भी महंगे हैं। खास तौर पर हींग की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। हींग भारत में अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता है। इसी तरह धनिया का रेट भी बढ़ा है। इसके अलावा दूध, बासमती चावल, ब्रेड आदि के दाम भी बढ़े हैं। इन सब का असर त्योहारी सीजन में महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।